फिर वज़ीरे आला ओन चौधरी भी अपने कप्तान के साथ। ओन चौधरी ने इजाफी तनख्वाह ना लेने का ऐलान किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कप्तान के ट्वीट के बाद कुछ ऐसे मुखालफत के बयान भी सामने आए और अभी ओन चौधरी जो कि मशीर वज़ीरे आला हैं वो भी अपने कप्तान के साथ खड़े हैं, इजाफी तनख्वाह नहीं लेने का ऐलान किया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा और कितनों की जानिब से यू टर्न मुतवक्के हैं? अभी बिल्कुल वजीर आला के मामले खसूसी ओन चौधरी ने जो बड़ा इजाफी शुदा तनख्वाह वो ना लेने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि अगर ये तनख्वाह किसी सूरत भी जो है वो लीगलाइज होकर जो है वो प्रैक्टिकलाइज हो जाती है तो फिर वो कतई तौर पर इसमें इजाफी तनख्वाह नहीं लेंगे। फिलहाल तो जो इजाफी तनख्वाह है उसका बिल जो है अभी किसी तरफ नहीं लगा क्योंकि अभी गवर्नर ने उस पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन उन्होंने इजाफी शुदा तनख्वाह ना लेने का ऐलान किया। उनका कहना है कि वजीर आजम का ये मौकफ 100% दुरुस्त है कि मुल्की हालात जो है मवेशी हालात इस बात की इजाजत नहीं देते कि अभी इस तरह की तनख्वाहें बढ़ाई जाती, तो इसलिए उन्होंने कप्तान के साथ खड़े का ऐलान करते हुए कहा है कि वो अपनी इजाफी शुदा तनख्वाह नहीं लेंगे बल्कि पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेंगे। ठीक है लियाकत।